गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। माय नेम इज गुणेश शर्मा और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके का, वो है इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, हमने स्लोली स्लोली सारे के सारे स्टैटिक जीके के जो टॉपिक्स हैं वो कवर अप किए हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो में वो सारे के सारे टॉपिक को देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया। अगर फ्रेंड्स आपको एप्लीकेशन के थ्रू या फोन के थ्रू अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो हमारा वाईफाई ऐप है, इसका नाम है वाईफाई स्टडी ऐप। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले से। ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में प्रिपरेशन करने के लिए हेल्प करेगा और सारे एग्जाम के लिए करेगा। और काफ़ी सारे इसके अंदर आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे फ्री में, जो कि आप बाकी सब प्रिपेयर करने के बाद में उसमें अपना टेस्ट दे सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर अगर आपको कोई डाउट है या अगर आपको कोई स्पेशल वीडियो बनवाना है आपकी प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ ईमेल करें हमें support@wifistudy.com। ये देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा एक टॉपिक, टेंपल्स, इम्पॉर्टेंट टेंपल्स ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, टेंपल्स पूरे के पूरे करना तो बिल्कुल भी इंटेलिजेंसी नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि इस वक्त इंडिया में गवर्नमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया, यहाँ के दोनों टेंपल्स को अगर मैं काउंट करूँ तो शायद मोर देन 3 लाख टेंपल्स होंगे। साउथ इंडिया के अकेले के ही अगर चार स्टेट की बात करूँ, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तो इनके ही 1 लाख से ज़्यादा टेंपल हैं, बड़े बड़े टेंपल वो भी। तो इंडिया में टेंपल्स का मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी सालों से हो रही है, काफ़ी हज़ारों सालों से हो रही है इनफैक्ट। और तो इसकी वजह से काफ़ी सारे टेंपल्स बिल्डअप हो चुके हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में। पहले तो नॉर्थ इंडिया के टेंपल का जो स्टाइल है, इसको बोलते हैं नगारा स्टाइल। सारे सारे जो आप नॉर्थ इंडिया में टेंपल्स देखेंगे जो कि बनाए गए हैं सदियों से, काफ़ी सारे राजाओं ने बनाए, तो ये सारे टेंपल नगारा स्टाइल में बनाए गए। और साउथ इंडिया के जो टेंपल्स बनाए गए वो द्रविड़ा स्टाइल में बनाए गए। सबसे पहले आपको ये चीज़ जानना ज़रूरी है सारे टेंपल्स पढ़ने से पहले, कि जो टेंपल्स का जो बने हुए हैं वो कौन से स्टाइल में बने हुए हैं। कई बार क्वेश्चन में सबसे पहले यही पूछ लेते हैं कि नगारा जो स्टाइल है वो कौन से रीजन से बिलोंग करती है टेंपल की आर्किटेक्चर से, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट और वेस्ट, ऐसे करके। तो नॉर्थ इंडिया इसका आंसर होगा। तो पहले तो नगारा स्टाइल और साउथ इंडिया का द्रविड़ा स्टाइल। तो यानी कि जब भी आप ट्रैवल करेंगे या जब भी आप पढ़ेंगे तो हमेशा जो भी टेंपल देखेंगे आप नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया के, आप उसके आर्किटेक्चर से बता सकते हैं कि कौन सी नगारा स्टाइल है या कौन सी द्रविड़ा स्टाइल है। द्रविड़ा स्टाइल में बहुत ज़्यादा छोटी कारीगरी की यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा ही डेडिकेटेड काम होता है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे भगवान और बहुत पिलर्स के ऊपर काम किया जाता है। नगारा स्टाइल में थोड़ा प्लेन बनाया जाता है और मेजरली बड़ी बड़ी फोटोज़ बनाई जाती है। तो अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको अभी टेम्पल्स पढ़ाऊंगा तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स और साउथ इंडिया के टेम्पल्स दिखने में बहुत डिफरेंस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट टेंपल्स ही देखेंगे और वैसे ही देखेंगे जैसे कि हमने बाकी वीडियोस में कवरअप किया है। नॉर्थ इंडियन के स्टेट से अपन स्टार्ट करेंगे, नॉर्थ इंडियन स्टेट से, और फिर सेंट्रल इंडिया और फिर साउथ इंडिया। ओके, पहले जम्मू कश्मीर से, फिर अपन केरला की तरफ जाएंगे, फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के टेम्पल देखेंगे। ओके, जैसे कि हमने बाकी सारे वीडियोज़ में जो हमने प्रोसेसर अपनाया है, जैसे कि रिलीजियस डांसेस हो गए, इम्पॉर्टेंट डैम्स हो गए, ओके, वैसे ही अगर अपन नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया कवरअप करेंगे। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के देखते हैं टेंपल्स। देखिए फ्रेंड्स, सारे के सारे आपको टॉपिक्स कवर करने, सारे के सारे जो टेंपल्स है आपको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो टेंपल्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सिर्फ वही अगर आप कर लेंगे तो 99% पॉसिबिलिटी है, इनफैक्ट 100% बोलता हूँ मैं आपको, इसके बाहर टेंपल्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, अगर बनता है तो। ओके, तो 100% आपको इसी में से मिलेगा। और मेजरली मैं आपको ये और बताता हूँ कि अगर आप प्रीवियस पेपर को एनालिसिस करेंगे तो जो तमिलनाडु और कर्नाटका, इनके टेंपल्स सबसे ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेंपल्स बहुत ज़्यादा हैं। अकेले तमिलनाडु में ही 43,000 टेंपल्स हैं, कर्नाटका में 35,000 टेंपल्स हैं। अपन सिर्फ 5-5 टेंपल के नाम याद करेंगे, सिर्फ 5-5 टेंपल नॉर्थ इंडिया, तमिलनाडु के और कर्नाटका के, जो आके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 5 तमिलनाडु से, 5 कर्नाटका से, बाकी सब स्टेट के एक एक या दो दो, मैक्स टू मैक्स दो, जो कि एग्जाम में आते हैं, फ्रिक्वेंटली आते हैं एग्जाम में। ओके, तो अपन जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वैष्णो देवी टेम्पल, और आपके लिए अच्छी बात यह कि आपने कई सारे नाम ऑलरेडी आपने सुन रखे होंगे, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, तिरुपति,
वैसे ही कई सारे नाम आपने ऑलरेडी सुन रखे होंगे, तो आपको इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसमें इतना याद करने की, कई सारे आपके सुने होंगे। और इस वीडियो को अगर आप एक या दो बार भी देख लेंगे तो आपको इजिली ये सब रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि कैसे अपन को आगे जाना है। ओके, तो वैष्णो देवी टेम्पल, सबसे पहले आपको सभी को बताया, वैष्णो देवी जम्मू एंड कश्मीर में है और ये डेडिकेटेड है शक्ति को लेकर, माता रानी ये इनके दूसरे नाम है। ओके, तो ये एक हिंदू टेम्पल है, मेजरली सारे के सारे टेम्पल जो है वो हिंदू टेम्पल ही है, कुछ एक बौद्ध गया को छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले वैष्णो देवी टेम्पल डेडिकेटेड टू शक्ति एंड माता रानी एंड इट इज सिचुएटेड इन, ये कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा अमरनाथ टेम्पल, दोनों ही नाम बहुत कॉमन है और आपको पता होंगे, दोनों ही जम्मू एंड कश्मीर में। ये ग्रेटर हिमालय का एक पार्ट है, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 6,000 मीटर, 5,000 से 6,000 मीटर के अबव है ग्रेटर हिमालय। ओके, यहाँ पे एक शिवलिंग बनता है, एक आप फोटो में जैसे देख रहे हैं और सभी को पता भी है, शिवलिंग की बनता है बर्फ से, जिसको देखने के लिए लाखों श्रद्धालु हर साल टेम्पल में जाते हैं। ये देख सकते हैं आप, बहुत बड़ी यात्रा होती है ये। तो जम्मू कश्मीर में आपको सिर्फ दो ही टेम्पल का नाम याद रखना है, वैष्णो देवी और दूसरा अमरनाथ। मैं आपको हर स्टेट के बाद में एक बार रिवीजन भी करवाता रहूंगा कौन कौन से आपको याद करना है। दूसरा उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपने बद्रीनाथ का नाम सुना होगा। देखिए, चार धाम है हिंदुइज्म में, चार धाम की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। वो चार धाम कौन से हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ओके, तो ये चार धाम में काफी श्रद्धालु हर साल जाते हैं और उसी में से एक है बद्रीनाथ टेम्पल। तो सभी को पता है बद्रीनाथ टेम्पल उत्तराखंड में है। सेकंड केदारनाथ, जैसे कि मैंने आपको बताया चार धाम, वैसे एक तो हो गया बद्रीनाथ और दूसरा हो गया केदारनाथ टेम्पल। ये जब फ्लड आया था उसमें काफी पोर्शन का डैमेज हो गया था इस टेम्पल का, आप देख सकते हैं, ये उसी टाइम का फोटो है जब फ्लड आया था उत्तराखंड में लास्ट एक या दो, लास्ट 2 साल पहले, तब केदारनाथ का काफी टेम्पल का डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो आपको सिर्फ उत्तराखंड से दो ही टेम्पल याद करने हैं, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अमृतसर में पंजाब गोल्डन टेम्पल, सभी ने बहुत ही फेमस नाम है गोल्डन टेम्पल, सभी ने सुना होगा। तो ये है अमृतसर के अंदर हरमिंदर साहिब, ओरिजिनल जो नाम है इसका, इस टेम्पल का, वो है हरमिंदर साहिब। अकबर का नाम आपने सुना है, अकबर ने ये जमीन जो है जिस टेम्पल पे बना हुआ है, जिस जमीन पे टेम्पल बना हुआ है वो डोनेट करी थी। ओके, और ये एक सिख गुरुद्वारा है, प्रोमिनेंट सिख गुरुद्वारा है, और ये फिफ्थ जो सिख गुरु थे उन्होंने बनवाया था, गुरु अर्जन देव ने 16th सेंचुरी में, जिनका बाद में मर्डर करवा दिया था जहांगीर ने। पहले सिख मार्टियर थे, पहले सिख शहीद थे जिन्होंने कुछ अपने बड़े कामों के लिए, अच्छे कामों के लिए अपनी जान दी, तो इनको जहांगीर ने एग्जीक्यूट करवाया था और इस जमीन को दान करी थी अकबर ने। तो कई बार गोल्डन टेम्पल से रिलेटेड ये सवाल भी पूछते थे कि कौन सा मुगल एम्परर था जिसने गोल्डन टेम्पल की जमीन दान की थी, तो अकबर थे वो। तो अमृतसर गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है, पंजाब में है। सेकेंड हरियाणा, हरियाणा में सिर्फ आपको जैसे पंजाब में आपको एक टेम्पल याद करना है, वैसे हरियाणा में भी आपको एक ही टेम्पल याद करना है जिसका नाम है मार्केटेश्वर, मार्केटेश्वर टेम्पल। ओके, हरियाणा में सिर्फ एक यही टेम्पल है जो आपको ध्यान रखना है, मार्केटेश्वर टेम्पल। फिर देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हडिम्बा टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है। हडिम्बा कौन थी, हडिम्बा अकॉर्डिंग टू द महाभारत, जब 5 पांडव एग्जाइल के लिए गए थे, जब बाहर जब उनको 14 साल का वनवास हुआ था, तो भीम तब ये सभी लोग मनाली की तरफ पहुंचे थे और वहां भीम से इनकी शादी हो गई थी, भीम की वाइफ बताया जाता है हिडिम्बा को, हिडिम्बा। और इनके दो बाद में इनका जो बच्चे हुए उसका नाम रखा गया घटोरगंज, सभी ने आपने सुना होगा कार्टून बहुत फेमस है घटोरगंज। तो ये हिडिम्बा भीम की वाइफ के तौर पर जानी जाती है और उन्हीं के नाम पे ये टेम्पल रखा हुआ है। ये मनाली में है, नॉर्थ हिमाचल में है, मनाली में हडिम्बा टेम्पल। तो जैसा कि आपने देखा हिमाचल में भी आपको सिर्फ एक ही टेम्पल याद करना है, हडिम्बा टेम्पल। फिर आएंगे राजस्थान की तरफ, राजस्थान में बहुत ही फेमस टेम्पल है, दो बहुत फेमस टेम्पल है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला बिरला मंदिर जो कि जयपुर में है, ये पूरा व्हाइट मार्बल से बनाया हुआ है, देख रहे होंगे आप फोटो में, पीछे यहाँ पे गणेश टेम्पल भी है। ओके,
और यहाँ पे एक शिव टेम्पल है, तो आपको ये याद नहीं करना है। बाकी ये जो टेम्पल है आपको जो दिख रहा है व्हाइट मार्बल से बना हुआ, ये बिरला मंदिर है। सेकंड देखेंगे दिलवाड़ा टेम्पल। दिलवाड़ा टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है, माउंट आबू में है ये, राजस्थान के जो साउथ राजस्थान है, माउंट आबू जो कि गुजरात से के पास में बहुत पड़ेगा, तो ये अरावली रेंजेस का एक पार्ट है दिलवाड़ा टेम्पल। ओके, तो आपको ये दो टेम्पल याद करने हैं राजस्थान से, दिलवाड़ा टेम्पल और बिरला मंदिर। अब देखेंगे यूपी। यूपी में देखेंगे काशीनाथ, काशी विश्वनाथ टेम्पल। ये गणेश जी को डेडिकेटेड है ये, और शाम में यहाँ पे बहुत ही भव्य आरती होती है, जिसका कई सारी मूवीज में पिक्चराइजेशन भी हुआ है। बहुत ही फेमस टेम्पल है काशी में, ये काशी विश्वनाथ टेम्पल। नाथ जब भी लगता है तो आप समझ सकते हैं कि ये तो शिव जी या गणेश जी से ही रिलेट करेगा। ओके, और वाराणसी के अंदर है, जिसको काशी बोलते हैं, बनारस भी बोलते हैं, जहां से पीएम मोदी ने एमपी का इलेक्शन लड़ा था, तो डेडिकेटेड टू द लॉर्ड गणेशा। ओके, और शिव। तो ये काशी विश्वनाथ टेम्पल यूपी का, तो आपने देखा यूपी से आपको सिर्फ एक ही याद करना है आपके एग्जाम के लिए, काशी विश्वनाथ टेम्पल। अब दिल्ली में आएंगे, दिल्ली में देखेंगे अक्षरधाम। बहुत ही फेमस टेम्पल है, बहुत ही बड़ा है, वन ऑफ द बिगेस्ट, दुनिया के बड़े मंदिरों में से एक है। स्वामीनारायण भी टेम्पल नाम है इनका, स्वामीनारायण टेम्पल भी बोलते हैं और अक्षरधाम भी बोलते हैं। इनके जो फाउंडर है, इस टेम्पल से रिलेटेड क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा इसलिए है क्योंकि रिसेंटली अभी इनके जो फाउंडर है प्रमुख स्वामी, उनकी डेथ हुई है। ये बहुत ही बड़े ही ज्ञानी पर्सन थे, जिनके पीएम मोदी, अब्दुल कलाम जैसे, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े बड़े लोगों ने इनकी किताबें, इनके बारे में काफी पढ़ा है और काफी प्रेज किया है इनको, तो ये काफी बड़ा नाम था जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है। ये फाउंडर थे अक्षरधाम टेम्पल के, स्वामीनारायण टेम्पल के। तो इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन स्ट्रैटेजी जीके का बन सकता है इस साल। फिर देखेंगे बिहार में। बिहार में बोधगया नाम की जगह है जो कि बहुत ही फेमस है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वहां पे महाबोधि टेम्पल है, महाबोधि जैनिज्म का, माफ कीजिएगा बुद्धिज्म का, महाबोधि टेम्पल, जहां पे बोला जाता है गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट लिया था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इस जगह पे उनको, तो वहां बनाया गया महाबोधि टेम्पल। तो बिहार से सिर्फ आपको महाबोधि टेम्पल ही याद करना है। कोलकाता में देखिए आपके लिए बहुत आसान है, एक टेम्पल है फेमस, दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। देखिए काली माता का नाम आते ही आपको समझ जाना चाहिए ये कोलकाता से रिलेटेड है। काली माता का बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंस है और वहां पे बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है इनके फेस्टिवल, तो ये टेम्पल वहां पे बहुत फेमस है और आपके एग्जाम में अगर पूछते हैं तो आपको डायरेक्टली याद आ जाना चाहिए ये कोलकाता से है। कोलकाता से सिर्फ अपन एक ही टेम्पल याद करेंगे। फिर देखेंगे एक दूसरा दूसरा टेम्पल, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलकाता से, बेलूर मठ। ये बेलूर मठ वही जगह है जो कि हेडक्वार्टर होता था रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण मिशन का। रामकृष्ण मिशन आपको सभी को पता होगा, रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ भी बोलते थे इसको। यह बेलूर मठ उस जगह का हेडक्वार्टर था, ये स्टार्ट कराया था स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद इसके फाउंडर थे रामकृष्ण मिशन के, और स्वामी विवेकानंद किसके डिसाइपल थे, किसके शिष्य थे, रामकृष्ण परमहंस, जो कि काली माता के वहां पे एक प्रिस्ट थे, एक अपने एक पंडित थे। तो बेलूर मठ रिलेटेड है किससे, रामकृष्ण मिशन से, और ये फाउंडर है कौन इसके, स्वामी विवेकानंद। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेम्पल, बेलूर मठ आपको याद रखना है कोलकाता में। तो कोलकाता से आपको दो ही नाम याद करने हैं, एक तो काली टेम्पल और दूसरा बेलूर मठ। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स उड़ीसा का। उड़ीसा में आपको दो टेम्पल है जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि आपको एग्जाम के लिए याद करने हैं। पहला है जगन्नाथ टेम्पल पुरी, जो कि पुरी के अंदर है। ये लॉर्ड जगन्नाथ जो भगवान है उनको डेडिकेटेड है, तो आपको पहला याद करना है जगन्नाथ टेम्पल, और दूसरा एक और याद करना है कोणार्क सन टेम्पल। कोणार्क सन टेम्पल, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आपको इम्पोर्टेंट है। इस पीपीटी के अंदर अभी ब्लैक पकोड़ा का नहीं दे रखा है, तो आपको दो टेम्पल है जो कि उड़ीसा के याद करने हैं। पहला जगन्नाथ टेम्पल जो कि जगन्नाथ गॉड को डेडिकेटेड है, दूसरा कोणार्क सन टेम्पल जो कि इसको दूसरा नाम ब्लैक पकोड़ा भी है। इस टेम्पल को गंगा डायनेस्टी ने बनाया था, गंगा डायनेस्टी के लोगों ने बनाया था,
कोई नियर बाय 1255 AD के आसपास। तो आपको ये दो टेम्पल है जो कि याद करना है, और स्पेशली आपको ये चीज ध्यान रखनी कि कोणार्क से टेम्पल का दूसरा नाम ब्लैक पगोड़ा है, काफी बार फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन है ये। फिर देखेंगे एमपी, खांडेलिया महादेव टेम्पल, महादेव मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। देखिए आर्किटेक्चर देखिए कितना ही ज्यादा बहुत ही कितना अच्छा आर्किटेक्चर बनाया गया है। तो ये पार्ट है खजुराहो टेम्पल का, खजुराहो टेम्पल की जो चेन है उसी के पार्ट में आता है महादेव टेम्पल। ओके, खांडेलिया महादेव टेम्पल बोलते हैं इसको, ये है एमपी में। तो एमपी से भी अपन एक ही टेम्पल याद करेंगे जिसका नाम होगा खांडेलिया महादेव टेम्पल। गुजरात, गुजरात में सोमनाथ टेम्पल काफी फेमस है, आपको पता होगा साउथ गुजरात में आता है ये, जिसको सौराष्ट्र भी बोलते हैं, सौराष्ट्र। तो सोमनाथ टेम्पल, जिसको सोमनाथ टेम्पल, देखिए बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इनका, क्योंकि यहाँ पे एक ये 12 ज्योतिर्लिंग में से शिव के, जो इंडिया में कहा जाता है 12 ज्योतिर्लिंग है शिव के, जिसमें से 6 तो महाराष्ट्र में है, बाकी जो नाम है वो है उज्जैन, वाराणसी, केदारनाथ, द्वारका, सोमनाथ। तो ये सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग में से शिवा के एक है। ये 16 बार इसको डिस्ट्रक्ट किया गया और वापस से बनाया गया सोमनाथ टेम्पल को। 16 बार काफी बार इसके जो बाहर से मुगल आए, गजनी, मोहम्मद गजनी, इन्होंने काफी बार यहाँ से खजाना लूटा और इसको डिस्ट्रक्ट किया, लेकिन इसको वापस से बनाया गया, कई बार बनाया गया। तो सोमनाथ टेम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि गुजरात में है। फिर आएंगे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सिद्धिविनायक टेम्पल का नाम सभी ने सुना होगा। सिद्धिविनायक टेम्पल का नाम काफी न्यूज़पेपर में आता रहता है, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टार्स हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, ये बहुत ही ये फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं इस टेम्पल में। तो ये लॉर्ड गणेशा को डेडिकेट किया गया है, ये बॉम्बे में, मुंबई में प्रभा देवी नाम की एक जगह है वहां पे सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ओके, सिद्धिविनायक टेम्पल कहाँ पर है? महाराष्ट्र। फिर देखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अंदर जो फेमस टेम्पल है वह है बालाजी टेम्पल, बालाजी वेंकटेश्वर या स्वामी टेम्पल, जिसको तिरुपति भी बोलते हैं, तिरुपति टेम्पल। तो ये भी वेंकटेश्वर भगवान जो है, लॉर्ड है, उनको डेडिकेटेड है, जिसके दो नाम है, तिरुपति भगवान भी बोलते हैं इनको और बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल भी बोलते हैं। देखिए बच्चों में जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि तिरुपति लोगों को लगता है महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में आपको बताया सिद्धि विनायक है, तो सिद्धि विनायक ही एक फेमस टेम्पल है जो कि महाराष्ट्र में है अपने एग्जाम के लिए। बाकी तिरुपति भी कई सारे मैंने देखा है बच्चों से, जब मैंने पूछा है तो तिरुपति भी महाराष्ट्र में बताते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि तिरुपति टेम्पल आंध्र प्रदेश में ना कि महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है सिद्धि विनायक टेम्पल। फिर देखिए कर्नाटका, देखिए फ्रेंड्स कर्नाटका और तमिलनाडु, मैंने आपको बताया था अभी बहुत सारे टेम्पल है, तो कर्नाटका अपन को 4 से 5 टेम्पल याद करने पड़ेंगे और तमिलनाडु के भी 4 से 5 टेम्पल याद करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम 50% पॉसिबिलिटी जो एग्जाम में टेम्पल का क्वेश्चन बनता है वो यहीं से ही बनता है, क्योंकि गोल्डन टेम्पल पूछना, हडिम्बा टेम्पल, तिरुपति पूछना और सोमनाथ पूछना, ये बहुत ही आसान सवाल है, सभी को पता है, जिन्होंने जीके नहीं पढ़ी है उनको भी पता होता है, लेकिन कर्नाटका के और तमिलनाडु के टेम्पल्स को याद रखने के लिए आपको जीके पढ़ना जरूरी है, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। ओके, तो अपन देखेंगे कर्नाटका के टेम्पल कौन कौन से याद करने हैं। पहला टेम्पल है लॉर्ड काला भैरेश्वरा टेम्पल, काल भैरेश्वर टेम्पल, लॉर्ड काल भैरेश्वर टेम्पल पहला नाम। दूसरा नाम श्री धर्मस्थला मंजुनाथ ईश्वरा टेम्पल। ओके, श्री धर्मस्थला मंजुनाथ ईश्वरिया टेम्पल, ये दूसरा टेम्पल है जो कि आपको नाम याद रखना है। देखिए पूरा पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक आइडिया भी लगा लेंगे तो भी बहुत है। और उसके बाद तीसरा मरुदेश्वर टेम्पल, मरुदेश्वर टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड टेम्पल है, आप फोटो में देख सकते हैं, बहुत ही भव्य टेम्पल है मरुदेश्वरा टेम्पल। उसके बाद वैरू प्रकाशा टेम्पल, ये भी कहाँ पर है? कर्नाटका में, वैरू प्रकाशा टेम्पल। उसके बाद गोमतारेश्वर, गोमतारेश्वरा टेम्पल, गोमतारेश्वर का पूरा नाम है गोमतारेश्वर बाहुबली, गोमतारेश्वर बाहुबली टेम्पल, ये बहुत ही पुराना टेम्पल है, नियर बाय 981 AD के आसपास का कंस्ट्रक्शन हुआ था बाहुबली टेम्पल। ओके, तो आपको जो याद करने हैं कर्नाटका से टेम्पल, वो आपको 5 टेम्पल का नाम याद रखना है, जैसे कि पहला लॉर्ड काला भैरेश्वरा, दूसरा धर्मस्थला
तीसरा मरुदेश्वर, चौथा विरू प्रकाश और पांचवा गोमतारेश्वर। ओके, तो ये पांच टेंपल के नाम आपको याद रखने हैं कर्नाटका से, तो आप इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो टेंपल का नाम, तीन टेंपल का नाम तो एक जैसा ही है, जैसे वैरू प्रकाशा, मरुदेश्वरा, मंजूनाथ। तो ये टीम पे तीन जो है, आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं, अगर आइडिया भी लग जाता है तो भी आपके लिए बहुत होगा। ओके, मुरु, वेरू, तो ऐसे नाम है, मंजूनाथ, मेरू, वुरु। एक बाहुबली का आप मूवी देखी थी होगी, तो बहुत फेमस है वो नाम, तो ये भी कहाँ है, कर्नाटका में है। ओके, उसके बाद ले देखिए, एक ही टेम्पल बचता है जो कि काल भैरेश्वरा, तो काला भैरेश्वरा। ओके, तो मंजूनाथ, मरु, वीरू, बाहुबली, काला भैरेश्वरा, ऐसे कोई नाम आता है तो आपको कर्नाटका में उसको टेक करना है। अब देखेंगे तमिलनाडु के, तमिलनाडु का देखिए बहुत ही फेमस टेम्पल है, पहले तो नटराज टेम्पल, लॉर्ड शिवा, नटराज एक डांस की फॉर्म थी लॉर्ड शिवा की, तो ये है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है और ये है तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए वारा वारा वाला जो टेम्पल है वो कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। जैसे बृद्धेश्वरा टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है, बृद्धेश्वरा टेम्पल क्वेश्चन कई बार बना है, यूपीएससी का ये फेवरेट फेवरेट है ये टेम्पल, बृद्धेश्वर टेम्पल बहुत बार क्वेश्चन आया इससे। उसके बाद जम्बुकेश्वर टेम्पल, देखिए वर जम्बुकेश्वर, फिर देखिए इमकारेश्वर, तो जहां पर भी वर वर आ गया, रर आ गया, ये हो गया तमिलनाडु के टेम्पल। उसके बाद रामास्वामीनाथी, रामास्वामी टेम्पल, ठीक है, रामानाथ स्वामी टेम्पल, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है ये भी, और ये भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में। और एक टेम्पल जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार घुमा के कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है, वो है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल। देखिए गोल्डन टेम्पल अपन ने पढ़ा था अमृतसर में, ओके, जो कि पंजाब में है, लेकिन अगर आगे उसके आगे श्रीपुरम लग गया तो ये हो गया है तमिलनाडु का वेल्लोर में। वेल्लोर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है वेल्लोर यूनिवर्सिटी, तो श्रीपुरम अगर इसके आगे लग गया तो ये बन गया तमिलनाडु का टेम्पल। ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, और रामेश्वरम है, रामेश्वरम वही जगह है जहां से अब्दुल कलाम बिलोंग करते हैं, और ये भी एक 12 ज्योतिर्लिंग में से एक टेम्पल है, शिवा के जो 12 ज्योतिर्लिंग मैंने आपको बताया उसमें से एक है। ओके, तो श्रीपुरम अगर लग गया गोल्डन टेम्पल के आगे तो ये हो गया तमिलनाडु का। तो आपको जो याद करना है तमिलनाडु से, वो आपको सिर्फ WARAR याद रखना है, जब वर्ड लग गया है तो वो तमिलनाडु का बन गया है। जैसे कि पहला टेम्पल नटराज टेम्पल बहुत ही आसान है याद करना, उसके बाद बृद्धेश्वर टेम्पल, जम्बुकेश्वर टेम्पल, एकम्बेश्वरेश्वर टेम्पल, उसके बाद सोमनाथ स्वामी, आपको रामानाथ स्वामी आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, और गोल्डन टेम्पल वाला मैंने आपको कंसेप्ट बताया अभी। अब देखें केरला, केरला का टेम्पल पद्मनाभ स्वामी टेम्पल बहुत ही फेमस टेम्पल है, इसमें ये वही टेम्पल है जहां से 1,32,32,000 करोड़ के गोल्ड निकला था, सिर्फ इसके 6 गेट खोले गए थे उसी में से। ओके, इन गेट को नाम क्या था, ABCD, इसमें से बी को लेकर अभी भी बहुत ही सस्पेंस है, और बताया जाता है कि बी गेट जब खुलेगा तो उसमें से इतना ही और निकलेगा गोल्ड, तो 1,32,000 करोड़ का गोल्ड इस टेम्पल में से निकला था, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक सिक्स सेवन सेवन मेंबर कमिटी को फॉर्मेशन किया था यहाँ के गोल्ड को चेकआउट करने के लिए। तो भारत का नहीं, दुनिया का सबसे सबसे रिच भगवान है पद्मनाभ भगवान, और टेम्पल है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, सबसे रिच टेम्पल दुनिया का, ये क्या है केरला के अंदर, ट्रैवनकोर के अंदर। और एक और टेम्पल आपको जो केरला से याद करना है वो है सबरीमला टेम्पल। सबरीमला टेम्पल एक वो जगह है जहां पे कहते हैं दुनिया में वन ऑफ द सबसे ज्यादा क्राउड वाली जगह टेम्पल्स में से एक ये भी है, ये बहुत ही फेमस टेम्पल है सबरीमला टेम्पल, जहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे जरूर जाके आते हैं। ओके, तो आपको दो टेम्पल का नाम याद रखना है केरला से, एक तो स्वामी पद्मनाभा स्वामी, दूसरा सबरीमला। उसके बाद आसाम, आसाम में एक टेम्पल है, दो टेम्पल आपको याद रखना पड़ेंगे, एक तो है शुक्रेश्वर टेम्पल जो कि लॉर्ड शिवा का है, आप फोटो में देख सकते हैं शिवलिंग है बहुत बड़ा, तो शुक्रेश्वर टेम्पल, और दूसरा कामाख्या टेम्पल, कामाख्या देवी एक है ये उनका टेम्पल है गुवाहाटी के पास वहां पर है। ओके, तो आपको आसाम से दो नाम याद रखने हैं, एक तो शुक्रेश्वर और दूसरा कामाख्या।
उसके बाद देखेंगे दो दुनिया के बड़े टेंपल जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए। एक तो है नेपाल का टेंपल काठमांडू में, एक है कंबोडिया का जो टेंपल है एंकोर वाट टेंपल। ओके, ये दुनिया के लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट है इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट है और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और बाद में यहाँ पे बुद्धिज्म काफी प्रेज हुआ और आज में काफी बुद्धिज्म का ही प्रचार हुआ है। ये 12th सेंचुरी के बनाया गया था, बिल्ड बाय द कामर किंग सूर्यवरम नाम के राजा थे, उन्होंने इसको बनवाया था। तो अंकोर वाट कहाँ पर है? कंबोडिया में। सिंपल सा सवाल आता है इससे रिलेटेड कि कंबोडिया में कौन सा फेमस टेम्पल है या फिर अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पर है। इसमें एक ऑप्शन कंबोडिया होगा। ओके, नेक्स्ट पुष्पपति टेम्पल, पुष्पपतिनाथ टेम्पल, ये बहुत ही फेमस टेम्पल है पुष्पपतिनाथ टेम्पल। ये पुष्पपति भगवान, पुष्पपति का मतलब होता है गॉड ऑफ एनिमल्स, और गॉड ऑफ एनिमल्स कौन है? शिवा। तो ये पुष्पपतिनाथ भगवान को है और ये कहाँ है? काठमांडू में, नेपाल में। बहुत ही फेमस टेम्पल है। कहते हैं चार धाम करने के बाद में जो इंपॉर्टेंट धाम पांचवा बचता है वो यही होता है हिंदू रिलीजन के अंदर, पांचवा पुष्पपतिनाथ टेम्पल। तो ये सारे टेम्पल से फ्रेंड्स जो आपको याद करने हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इतने ही टेम्पल आपको ध्यान रखना है। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। इससे ज्यादा क्वेश्चन बाहर से नहीं बनेगा। अगर कोई टेम्पल में से क्वेश्चन आता है, अगर आपके कोई भी एग्जाम है, चाहे यूपीएससी का हो या फिर कोई क्लर्क लेवल का एग्जाम हो। ओके फ्रेंड्स, सो वाईफाई स्टडी टीम से बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।